Good morning, everyone. Welcome back to GK Today. I'm Rizat Sana, and I welcome you all to this brand new series of 35,000 plus MCQs, general knowledge questions. I'm sure आप बहुत ज़्यादा excited होंगे, जिस तरह मैं excited हूँ आपको पढ़ाने के लिए. काफ़ी दिन से ये प्रोग्राम हो रहा था कि हम लोग स्टार्टिंग GK स्टार्ट करने वाले हैं, बट कुछ रीजंस की वजह से टलता ही जा रहा था. लेकिन फाइनली आज वो दिन है जब हमने स्टार्टिंग भी स्टार्ट कर दिया है. तो जो भी GK टुडे के बच्चे हैं, उन्हें पता है कि करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ाया जाता है. डेली करंट अफेयर्स आप चैनल पे देखते हैं. इसके अलावा मंथली रिवीजन आपको मिलता है हर मंथ के एंड पे. तो इस तरह से आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होता जा रहा था. लेकिन GS की प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि स्टैटिक अभी तक हमने कभी भी इस तरह से स्टार्ट नहीं किया था. तो ये फर्स्ट टाइम है जब GK टुडे ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हमें भी स्टैटिक GK स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बातें कर लेते हैं इसको हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे और क्या क्या इसमें होने वाला है. तो सबसे पहले आइए सब्जेक्ट देखते हैं कि स्टैटिक GK में आपके बेसिकली कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उसको हमने किस तरह से डिवाइड किया है. तो टोटल हमने ये 10 सब्जेक्ट को लेके इसमें सब कुछ आपका इंक्लूड कर दिया है. तो सबसे पहला है इसमें हिस्ट्री. सबको पता है हिस्ट्री एक बहुत मेजर टॉपिक है स्टैटिक GK का. इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें से आई थिंक मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है और लोगों को काफ़ी पसंद आती है. इसके क्वेश्चन जो भी हैं वो आपको याद रखने में भी इजी लगते होंगे. लेकिन एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री भी ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप ठीक से पढ़ाई करेंगे तो. ओके, तो अगर आप इस सीरीज़ को मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे तो एंड तक आने के बाद आप ज़रूर ये कहेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री भी अमेजिंग है. ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री में क्या रहता है? एंशियंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हमारी सिविलाइजेशन बनी है. मतलब किस तरह से हम हंटर एंड गैदरर थे पहले, सिर्फ जहाँ जो मिलता था खा पी लेते थे. वहाँ से फिर हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं, फिर हम खेतीबाड़ी स्टार्ट करते हैं और फिर हम डोमेस्टिकेशन शुरू करते हैं, कुत्ते जानवर ये सब पालने लगते हैं. क्योंकि होता क्या था, पहले के लोग हंटर एंड गैदरर्स थे, मतलब तुरंत हंट करते थे और खा लेते थे. ठीक है, उसके बाद होने क्या लगा, मान लो उन्होंने किसी जानवर को हंट किया लेकिन अभी उनका खाने का मन नहीं है, उनका बाद में खाने का मन है, तो उसकी वजह से होता क्या था, वो खाना सड़ जाता था. पहले के ज़माने में फ्रिज वगैरह तो रहती नहीं थी, तो इसकी वजह से इन्हें ज़रूरत पड़ने लगी डोमेस्टिकेशन की. ठीक है, तो इसमें ये क्या करने लगे, इसमें जैसे जो भी जानवर इन्हें खाना होता था वो ये पालने लगे कि जब ज़रूरत पड़ेगी, जब मेहमान आएंगे या जब पार्टी होगी तो इसको हम लोग काट के खाएंगे. ठीक है, और डोमेस्टिकेशन इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे इनको जो जानवर थे उनसे प्रोटेक्शन मिलने लगी, क्योंकि कुत्ते वगैरह पाल लेते थे अपनी सिक्योरिटी के लिए. उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल इनको डेयरी की जो ज़रूरत है, काउ, बुफैलो, हैन, ये सब चीज़ें इनकी यहाँ से पूरी होने लगी. फिर इसके बाद ये जैसे गोट वगैरह रख लेते होंगे आई गेस अपनी मीट वाली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो इसलिए ये डोमेस्टिकेशन शुरू कर देते हैं इस तरह. फिर धीरे धीरे इन्होंने खेती बाड़ी अपनी स्टार्ट कर दी. ठीक है, एक जगह रहने लगे, उसके बाद इन्होंने जैसे कुछ डाला ज़मीन के अंदर, देखा ये निकल रहा है यहाँ से, तो इन्होंने धीरे धीरे खेती स्टार्ट करने लगी. अब खेत तो ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहीं से भी कहीं जा रहे हैं तो आप खेत उठा के लेके जाएंगे, राइट? तो खेती की वजह से ये एक जगह पर रहना शुरू करती है. ठीक है, जो एक हाउसिंग वाला टर्म आता है कि उसके बाद ही ये लोग एक प्रॉपर जगह पर परमानेंट सेटलमेंट के तौर पर रहने लगे. लाइक एक ही जगह पे इन्होंने अपना थोड़ा बहुत मिट्टी मिट्टी का घर बनाया या जो भी लकड़ी से बनाया, उसके बाद बगल में इन्होंने खेत डाल लिया, फिर वहीं पे जानवर भी पाल लिए, तो यहाँ से ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हो जाता है. ठीक है, और उसके बाद लेटर ऑन हम देखेंगे कि किस तरह से फिर और भी चीज़ें आगे आई, लाइक पत्थर से आग निकलना और वो सारी चीज़ें. ठीक है, तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री में. और ये तो एक बहुत बेसिक ओवरव्यू है बहुत पुरानी हिस्ट्री का, लेकिन इसके बाद हम इसमें और भी चीज़ें देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री में. लाइक हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें बहुत कुछ आता है, लाइक मगधन एरा. ठीक है, फिर किस तरह से हर्षवर्धन का एरा आता है, फिर इसके बाद जो ऋग्वेद हैं, फिर लेटर वैदिक एरा जो आता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे बात करेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री में बेसिकली क्या क्या रहने वाला है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड आता है मिडिवल हिस्ट्री. मिडिवल हिस्ट्री में हम रूलर्स की बात करते हैं सबसे ज़्यादा, जिसमें हम बहुत कुछ देखेंगे, लाइक दिल्ली सल्तनत, फिर इसी में हमारे मुगल्स आते हैं. ठीक है, और बहुत कुछ है इसमें भी पढ़ने के लिए. फिर उसके बाद लास्ट में हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री. और मॉडर्न हिस्ट्री तो ट्रस्ट मी माइंड ब्लोइंग है. मॉडर्न हिस्ट्री आप कभी दिल से पढ़िए, बहुत आपको मज़ा आएगा. मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे कि किस तरह से हमने इंडिपेंडेंस पाई है और कितनी कीमती है ये हमारी आज़ादी. ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके सैक्रिफाइसेस को देखेंगे. ठीक है, तो ये हो गई मॉडर्न हिस्ट्री. और उसके बाद इसी तरह हमारी एंशियंट हिस्ट्री, और इसी तरह हम अपनी हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, फिर सेकेंड पे हम चलेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. ये एक बहुत स्कोरिंग टॉपिक होता है स्टैटिक GK का, जिसमें आपको बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पढ़ना होता है और पॉलिटी के नाम पे
कहीं ना कहीं ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन से ही जाके रिलेट हो जाती हैं. लाइक इसमें प्रियम्बल हम पढ़ेंगे, फिर किस तरह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुई, फिर जो सिटीजनशिप वगैरह है, DPSP है, फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, फिर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से, वो जो पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार, वो सारी चीज़ें, तो ये भी हम देखेंगे. ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे है वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी. ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ज्योग्राफी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें हम लोग डिवीज़न देखेंगे किस किस तरह से. डिवीज़न है क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन का, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, ह्यूमन ज्योग्राफी का, और भी बहुत कुछ. फोर्थ है इंडियन ज्योग्राफी, इसमें हम सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के ज्योग्राफिकल रीजन्स के बारे में. फिर है फिफ्थ वर्ल्ड हिस्ट्री, इससे ऑल दो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल, लेकिन फिर भी ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसको हम कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर आप वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री को एक बार इग्नोर भी किया जा सकता है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते, लेकिन यहाँ पे पर्पज़ है हर फील्ड को पूरा कवर करना अच्छे से, तो इसीलिए हमने ये टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किया है. इसको बहुत ही कम लेक्चर्स में हम लोग फिनिश कर लेंगे, बस ये पर्पज़ है कि कोई भी क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके में छूटने ना पाए. ठीक है, सिक्स्थ है इंडियन इकोनॉमी, इसमें हम इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, GST क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, RBI कैसे फंक्शन करता है, ये सारी चीज़ें. ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है इंडियन कल्चर, इसमें आर्ट एंड कल्चर आपका आ जाता है. लाइक आपने देखा होगा कि एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि जो कथकली डांस है वो किसका है, या फिर जो लखी मेला है ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो ये सब आपका आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है. ओके, ये भी बहुत छोटा टॉपिक है. फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर्स एंड IT, इसमें जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके स्टार्टिंग GK के फॉर्म में, उसको हम कवर कर लेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल पूछा जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहते हैं, फिर जो मॉनिटर है वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, जो भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे. फिर नेक्स्ट है एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, इससे भी क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. और फिर लास्ट है हमारा साइंस, जिसके तीन पार्ट्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स. इसमें बेसिक जो आपने 10th और 12th में पढ़ा है, जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, बस उसी को यहाँ पे कवर करेंगे, बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट रखते हुए. ठीक है, तो बहुत डिटेल में नहीं जाना, ऑब्वियसली हम नीट या फिर IIT की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो भी आपके एग्जाम में बस पूछा जाएगा उसको यहाँ पे कवर किया जाएगा. तो ये हो गया हमारा बेसिक सिलेबस, टोटल 10 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है. और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री. ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का आज पहला चैप्टर रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द प्री हिस्टोरिक इंडियन. ठीक है, यूजुअली होता क्या है, अगर हम आपको थ्योरी के फॉर्म में पढ़ाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बोरियत महसूस होने लगेगी, क्योंकि थ्योरी पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो थ्योरी से तो काम नहीं चलने वाला, राइट. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया है MCQs के फॉर्म में, क्योंकि हम चलेंगे. और इसके अलावा GK Today के खुद से फ्रेम किए हुए क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, जिनसे आपको हेल्प मिलेगी. मतलब हमने प्रीवियस MCQs को नज़र में रखते हुए क्वेश्चंस को फ्रेम किया है, जिनके आगे पूछने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है. ओके, तो ट्रस्ट मी, अगर आप ये कोर्स पूरा हमारा कवर कर लेते हैं, तो ये पूरा एक 360 डिग्री कवर करते हुए कोर्स क्रिएट किया गया है. आपको स्टैटिक में कुछ और भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके बाहर, फाइन. तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा नया इनिशिएटिव है 35,000+ MCQ सीरीज़ का ऑन GS एंड जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस. इसमें हम लोग रोज़ एक या दो टॉपिक कवर करेंगे और जितनी जल्दी हो सके इस सीरीज़ को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, फाइन. और ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं एज अ कोर्स ऑफ क्विजेज एंड देयर सॉल्यूशंस हमारे GK Today के एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर, और जहाँ पे नॉमिनल फीस पे इसको रखा गया है, और इंस्टेंटली ये ऐड हो जाएगा आपकी कोर्स लाइब्रेरी में आफ्टर सब्सक्राइबिंग. तो ये छोटी सी बात हो गई, और चलिए अब हम अपना एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि आज से हम एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं. तो एंशियंट हिस्ट्री को हमने टोटल 40 लेक्चर्स में डिवाइड किया है. ठीक है, टोटल इसमें 40 लेक्चर आपको मिलेंगे, और कोशिश करेंगे हम जितनी जल्दी हो सके इसको फिनिश करने की. अभी तो शुरुआत में हम एक लेक्चर रख रहे हैं पर डे के हिसाब से, लेकिन अगर हमें ज़रूरत लगी, ऐसा लगा कि आप इसको ईजिली ग्रास्प कर पा रहे हैं, तो फिर हम लोग इसको दो भी कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट है प्री हिस्टोरिक इंडिया, इसमें हम देखेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री में कैसे शुरुआत होती है. सेकेंड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए. इंडस वैली से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. इसमें अब एक क्वेश्चन, अच्छा मैंने देखा था कि बहुत फेमस हो रहा है, कि जैसे इंडस वैली में कोई साइट है, फॉर एग्जाम्पल लोथल, तो आपसे पूछ लेंगे कि प्रेजेंट डे कहाँ पे लाई करती है, तो ये गुजरात में है. ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं जो हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे. फिर नेक्स्ट यहाँ से ऋग्वेद शुरू हो जाता है, ऋग्वेदिक एरा, और इसमें हम सबसे पहले सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी और इनके रिलीजन की बात करेंगे. फिर नेक्स्ट में हम इनके लिटरेचर्स की बात करेंगे कि ऋग्वेदिक एरा में लिटरेचर्स क्या क्या रहते थे. फिर इसके बाद लेटर वैदिक एरा है, जिसमें आपके रेस्ट 3 वेदास आते हैं, इसकी सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी और रिलीजन देखेंगे. फिर इनके बाद
लेटर वैदिक में कौन कौन से लिटरेचर्स हैं ये देखेंगे, फिर जैनिज्म किस तरह से आता है, बुद्धिज्म किस तरह से आता है, फिर एक और सेक्शन बन जाता है आजीविका, वो किस तरह से आता है, फिर एंशियंट रिपब्लिक्स देखेंगे इंडिया की। तो ये 10 चैप्टर हो गए। उसके बाद फिर हम 11th लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से 16 महाजनपद फॉर्म हो जाते हैं, फिर 12th में देखेंगे मगधा एम्पायर किस तरह से इस्टैब्लिश होती है, फिर किस तरह से अलेक्जेंडर इंडिया को इन्वेट करते हैं, फिर यहाँ से हमारा मौर्यन एरा शुरू हो जाता है, और यहाँ पे फर्स्ट हम चंद्रगुप्ता और बिंदुसारा की बात करेंगे, फिर इनके बेटे अशोका इनको देखेंगे, और फिर मौर्यास का क्या एडमिनिस्ट्रेशन है। एक्चुअली जो मौर्यास हैं ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम देखेंगे, और फिर मौर्यन के कल्चर सोसाइटी और इकोनॉमी की बात करेंगे। फिर इसके बाद एक और एरा आता है शुंगास कनवास और महाबेंगवनास का, इनको देखेंगे, फिर किस तरह से पोस्ट मॉडर्न टाइम्स चेंज होता है, इंडो ग्रीक रूलर्स आते हैं, फिर यहाँ पे शका रूलर सत्राप सिस्टम इस्टैब्लिश होता है, सत्वनास के बारे में पढ़ेंगे, कुशाना एम्पायर, गुप्ता एम्पायर फिर यहाँ से शुरू हो जाती है, और गुप्ता एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्ता एम्पायर ही है जब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोसाइटी, रिलीजन, लिटरेचर, फिर इकोनॉमी, न्यूमिज़मेटिक्स, फिर आर्ट और आर्किटेक्चर देखेंगे इनका, फिर इसके बाद और भी डिफरेंट छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जिनके बारे में पढ़ना है हमें, फिर यहाँ से हर्षवर्धन का एरा शुरू हो जाता है, और यहाँ पे फिर अर्ली मिडिवल नॉर्थ इंडिया इस्टैब्लिश हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे साउथ में क्या चल रहा था उस टाइम पे, फिर अर्ली मिडिवल में सोसाइटी और रिलीजन का क्या हालचाल था, फिर चीज किस तरह से इंडियन इकोनॉमी हमारी चेंज होती है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर चेंज होता है इस टाइम पीरियड में, फिर यहाँ से राष्ट्रकूटास, चालुक्यास, पल्लवास, चोलास ये सारी किंगडम को एक बार पढ़ेंगे, पांड्य किंगडम और संगमेज को यहाँ पे फिनिश करते हुए फिर हम मिडिवल की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि इतने सारे लेक्चर्स एंशिएंट में कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे, तो बस आपको जेके टुडे के ऊपर ट्रस्ट करना है, इसको बहुत ही सोच समझ के बहुत ही अच्छे से हमने फ्रेम किया है, बहुत मेहनत की गई है इस सीरीज़ के पीछे, बाकी आपका काम है सिर्फ पढ़ना, बाकी किस तरह से पढ़ाना है ये हमारी टीम जानती है और मैं जानती हूँ, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये याद रखिए कि हम एंशियंट हिस्ट्री अभी स्टार्ट कर रहे हैं और हमने फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे लिया है प्री हिस्टोरिक इंडिया का, ठीक है। देखिए एक चीज़ और है, अगर एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आप थोड़ा सा बोर फील करेंगे बीच में अगर, तो हम लोग मिडिवल हिस्ट्री छोड़ के फिर आगे कोई और सब्जेक्ट भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा, आपको बहुत बोरिंग लगने लगा हिस्ट्री, मिडिवल पे आने का मन नहीं कर रहा है, तो एंशियंट हिस्ट्री फिनिश करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि मिडिवल पढ़ें, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, हम लोग फिर कुछ और स्टार्ट कर सकते हैं लाइक इंडियन पॉलिटी या फिर जो भी आपको बेटर लगेगा, उसके लिए हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल एंशियंट हिस्ट्री ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, फाइन। तो ये है हमारा प्री हिस्टोरिक इंडिया जो कल से स्टार्ट होगा, तो आज इस लेक्चर को सिर्फ ओवरव्यू लेक्चर ही बना लेते हैं। मैंने सोचा तो था कि प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टार्ट कर देंगे, बट आई थिंक टाइम अलाउ नहीं करेगा, और इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप वो भी आज पूछ सकते हैं, फिर हम लोग कल से इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें जो मैंने आपको बताई समझाई, आपको इसमें अगर कोई भी डाउट लग रहा है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप वो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका आंसर आपको दिया जाएगा। और कल से फिर हम एंशियंट हिस्ट्री अपनी स्टार्ट करेंगे जिसमें पहला चैप्टर रहने वाला है प्री हिस्टोरिक इंडिया का, ओके। तो इस सेक्शन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम में या जो आगे पूछे जा सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में और सबको बताइए कि एक स्टैटिक जीके का इनिशिएटिव जीके टुडे ने लिया है, और अगर आप भी इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो एटलीस्ट, अगर आप फीस देके सब्सक्राइब नहीं कर सकते एप्लीकेशन पे, तो एटलीस्ट यहाँ पे सब्सक्राइब करिए चैनल को और यहाँ पे डेली मेरे साथ जुड़े रहिए। ऐसे सब्सक्राइब करने पे आपको ये होता है कि सब कुछ एक साथ मिल जाता, लेकिन यहाँ पे फिर हम लोग डेली एक एक लेक्चर करके आगे प्रोसीड करेंगे, फाइन। तो आई होप कि आपको इस सेशन में बहुत मज़ा आएगा, और अपना फीडबैक कमेंट्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसके अलावा जीके टुडे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स भी अपना कवर करना चाहते हैं तो आप जीके टुडे के डेली करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम एक्सेप्ट संडे हर दिन करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं इन अ नॉमिनल मैनर। उसके अलावा लास्ट में हम अपना रिवीजन सेशन भी रखते हैं जिसमें हम पिछले किसी भी एक मंथ को उठा के अच्छे से रिवाइज करते हैं कुछ टाइम पीरियड में। तो चलिए फिर कल आपसे मुलाकात होगी, कल एकदम रेडी होके आइएगा फर्स्ट चैप्टर के लिए एंशियंट हिस्ट्री के। तो विद दिस मीनू जहाद सना साइनिंग ऑफ।